अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माने प्लानेट ज्यारत चैनल पर। साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीजी करने के क्या फायदे हैं। 2024 में अगर आप पीजी करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको यहां पर मिल सकता है। इस अभी जो सिचुएशन है नौकरियों की बहार है, पीजी करने वालों के मौके ही मौके हैं। बड़ा पद और सबसे ज्यादा सैलरी अगर है तो वो अभी पीजी करने पे है। अब वो कैसे साथियों मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं। साथ ही साथ मैंने दो बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। साथियों अगर हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं आप तो इस चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलेगी हायर एजुकेशन से संबंधित। अगर प्रोफेसर बनने का या 10+2 में आपको टीचर बनने का अगर आपका सपना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। पीएचडी करने का अगर आपका सपना है तो साथियों हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे हमको मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर तो ये है कि यहाँ पर बहुत ही कम फीस में आप एमए कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं आप, और कोई भी कोर्स। जैसे आज के डेट में आप इंजीनियरिंग आप करते हैं जिसका कि क्रेज घट गया है। अभी सर्वे में आ रहा है कि आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट को भी अच्छे अच्छे पैकेज नहीं मिल रहे हैं। कंपनियां प्लेसमेंट कर लेती है, बाद में बाधे से मुकर जाती है। यानी बड़े बड़े टेक्निकल कोर्सेज का दौर खत्म हो रहा है उस दौर में जिसमें कि मोटी मोटी फीस आपको देनी पड़ती है 5 लाख 7 लाख रुपए, और वहां एमए आपका पीजी आपका 10 से 15 हजार में हो जाएगा। आप चाहें तो डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, इग्नू से आप कर सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी डिस्टेंस मोड में कराने लगे हैं आजकल साथियों, ठीक है। तो यानी घर बैठे आप कर सकते हैं, कोई और काम करते हुए आप इसको कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो ये एक फायदा तो आपका ये हुआ। दूसरा आपको इसमें आसानी से एडमिशन मिल जाएगा और सभी कोर्सेज के कंपेयर में। तीसरा आपको यहां पे जो मैंने बताया कि डिस्टेंस लर्निंग घर बैठे या कोई पार्ट टाइम काम करते हुए भी इसको आप कर सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा फायदा है साथियों कि अभी एक साल का बीएड लॉन्च होने वाला है तो उसमें जो लोग पीजी किए हुए हैं उनको बीएड मात्र एक साल का ही करना पड़ेगा। इसके बाद आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं साथियों। अगर आप पीजी करते हैं तो जेआरएफ क्रैक हो जाता है तो आपको 30 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप मिलेगी। मैंने ये स्कॉलरशिप लिया है पीएचडी के दौरान साथियों, ठीक है। उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं आप, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, आप शोध के क्षेत्र में रिसर्च के क्षेत्र में आ सकते हैं, आप अनुवादक बन सकते हैं, ठीक है। अगर किसी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में आप अगर करते हैं तो फायदे ही फायदे हैं और कम से कम इन्वेस्ट है और ये कोर्सेज भी प्रोफेशनल कोर्सेज के कंपेयर में बहुत ही आसान है साथियों। तो आप जरूर पीजी करें और आप किस सब्जेक्ट में पीजी करना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।